हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों कि दो स्विच और दो सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। दोस्तों, वीडियो को अगर फुल वॉच करते हैं तो वीडियो को हमारे वीडियो से आज कनेक्शन करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो इसलिए दोस्तों सीखने के लिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। दोस्तों बिना देर किए ही वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम हमारे वीडियो पे आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले वायर लेंगे हम। तो दोस्तों, ऐसा वायर बना लेना है आप लोगों को। तो ये वायर जो है दोस्तों, स्विच के निचले पॉइंट में जितना सारा स्विच रहेगा सबके निचले पॉइंट में जुटा रहेगा दोस्तों। तो इसमें हम डाल देंगे ऐसे। इसमें डाल के जितना स्विच रहेगा, मतलब कितना भी स्विच है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सब में डाल देना है ऐसे ऐसे, डाल के टाइट कर लेना है। ऐसे टाइट कर लेना है। तो दोस्तों, ये टाइट हो चुका। तो दोस्तों, देख सकते हैं टाइट हो चुका है। और आप लोगों को भी ऐसा जोड़ देना है बिल्कुल सेम टू सेम। और फिर हम जो है स्विच और सॉकेट से कनेक्शन कर देते हैं, स्विच और सॉकेट। तो दोस्तों, हम स्विच में पहले वायर लगा देते हैं। तो दोस्तों, लगा दिया हमने स्विच में वायर और फिर टाइट कर देते हैं इसको। टाइट हो चुका है। और जिसमें दोस्तों एल लिखा रहता है लाइट, एल का मतलब लाइट, इसमें हम दे देंगे जिसमें एल लिखा रहेगा, जिसमें एल लिखा रहेगा उसमें दे देना हमको, मतलब उसमें जोड़ देना है। दोस्तों, उधर का भी जो लाइट का है स्विच से लाइट का देना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी दे देते हैं दोस्तों। तो ऐसे ढीले कर करके जो स्क्रू है ढीले करके कस देंगे वायर डाल के इसमें। हम ज़्यादा टाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बताने के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, जो है लाइट वाला कनेक्शन पूरा भरपूर हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा हमारा मेन लाइट का, और न्यूट्रल का दोस्तों बाकी है। तो इसमें जो है एक वायर जोड़ लेंगे। इस तरीके से जोड़ लेना आप लोगों को, इस तरह जोड़ के आपको इसमें लगा देना है न्यूट्रल वाले में।
जो ओवर हो इस तरह मोड़ दीजिए, इतना ओवर था इतना मोड़ दिया हम। और फिर ए वाला जो है सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में दे देंगे हम। ढील करके ऐसे कस देना आपको वायर डाल के इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया, सेम टू सेम। ऐसे ही अगर आप भी कनेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होता है कनेक्शन। अगर विधि की बात करें, विधि से करना है तो दोस्तों यही होता है विधि करने का। दोस्तों फेस और न्यूट्रल कहीं भी टच ना हो दोस्तों, इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है दोस्तों। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। ये जो निचला भाग है, जितना कितना भी स्विच है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी सॉकेट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको विधि मालूम होनी चाहिए किस तरीके से होगा, कहां से देंगे और कैसे कनेक्शन करेंगे, बस इतना पता हो आपको कि मतलब न्यूट्रल फेस कहीं भी टच ना हो दोस्तों, आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर कहीं से टच रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, बोर्ड हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दे के बनाइए आप लोग, बोर्ड बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा दोस्तों।